आगरा में सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। कमला नगर में मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में डकैती डालने के बाद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाशों के परिजनों को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके लाडले इस तरह की वारदात को अंजाम दे सकते हैं। एक बदमाश मेरठ जाने के लिए घर से निकला था, जबकि दूसरा 2 माह से नोएडा में रह रहा था। आगरा के थाना कमला नगर में मणप्पुरम गोल्ड लोन फाइनेंस कंपनी में डकैती डालने के बाद पुलिस मुठभेड़ में ढेर हुए दोनों बदमाशों के परिजनों को विश्वास नहीं हो रहा है कि उनके लाडले कब बदमाश बन गए और इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। जैन नगर थाना उत्तर फिरोजाबाद के रहने वाले शिवशंकर पांडे का बेटा मनीष पांडे पढ़ने लिखने में बेहद होशियार था। मनीष पांडे 2013 में MP पुलिस में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ था, लेकिन उसी दौरान मुकेश यादव हत्याकांड में नाम आने के बाद गिरफ्तार हो गया और जेल चला गया। भविष्य चौपट हो गया। परिवार के लोगों को इस बात का कतई विश्वास नहीं था कि उनका लाडला अपराध जगत में कूद पड़ेगा। अरे जी, सब चीजें बोलने से कोई मतलब नहीं है। नहीं नहीं, उसको नहीं, मैं जानता हूं। जी परेशान मत करो। बेटे के साथ क्या हुआ ये बताइए मुझे आप। बेटे के साथ कहाँ निकला था बेटा घर से? कल घर से मेरठ की के गया था। अच्छा, क्या करता था मनीष? मैन पावर कंपनी में जॉब करता था। अच्छा, फिर आपको क्या सूचना मिली थी? सूचना क्या, टीवी में उसमें खबर देखी है तब मालूम पड़ी है। आज मालूम पड़ी है कि कल ही मालूम पड़ी? कल रात को 9:30 बजे। अच्छा, तो मेरठ के लिए और भी कोई साथ में गया था? नहीं, अकेला। शिवशंकर पांडे का कहना है कि मनीष शनिवार को मेरठ जाने के लिए घर से निकला था, लेकिन रात 9 बजे उसके घर पर पुलिस पहुंचती है और मनीष की फोटो लेकर चली आती है। इसके कुछ देर बाद ही पुलिस फिर से पहुंच गई और मनीष के बारे में जानकारी दी। डकैती के बाद मनीष के मारे जाने की खबर के बाद परिवार में कोहराम मच गया। मनीष की मौत के बाद 2 साल की बेटी के सिर से पिता का साया उठ गया, पत्नी ऋतु का भी सुहाग उजड़ गया। मनीष पांडे होनहार होने के बावजूद अपराध जगत में कूद पड़ा। मनीष ने इस बात का भी ख्याल नहीं रखा कि 2 साल की बेटी है, उसके बाद पत्नी और बेटी का क्या होगा, माता पिता का क्या होगा। आज तक कभी 10 रुपए किसी के छीन के नहीं गल लाया। अच्छा, अब कैसे उसका दिमाग बदल गया, कैसे यहाँ बदमाश बन गया, तो मेरी समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, ये निर्दोष है एक इसके साथ में? नहीं नहीं, मैं नहीं जानता उसको। अच्छा, मुठभेड़ में मारा गया दूसरा बदमाश निर्दोष था। निर्दोष रशीदपुर कनेटा थाना मटसेना फिरोजाबाद का रहने वाला था। निर्दोष भी पढ़ाई में होशियार था, BSc की पढ़ाई कर चुका था। मुंबई में मर्चेंट नेवी की तैयारी करने के लिए चला गया था। चेन्नई में सेंटर फुटबियर इंस्टीट्यूट में भी कोर्स करने गया था, लेकिन कब अपराध जगत का कोर्स कर लिया, परिवार के लोगों को इस बात की भनक तकने लगी। भविष्य संवारने के लिए नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अपराध की तैयारी कर बैठा। परिवार के लोग कहते हैं कि उन्हें कभी भी ऐसा शक नहीं हुआ कि उनका बेटा अपराधी बन चुका है। वे तो उसके उज्जवल भविष्य की कामना कर रहे थे, लेकिन नतीजा दूसरा निकला। हम तो घर पे रहते हैं, हमें क्या मालूम। तो निर्दोष निर्दोष क्या करता था? शुरू में तो इंटर हाई स्कूल करी, इंटर करी, फिर BSc करी, फिर बाकी बाद में चेन्नई डिप्लोमा करो लेजर का। अच्छा। बाकी बाद में फिर क्या कहते बाकी बाद चेन्नई डिप्लोमा करके फिर देहरादून नौकरी करी। अच्छा। बाकी बाद में फिर तैयारी कर रहा हूँ मर्चेंट नेवी। हाँ। अच्छा। तो 3-4 महीना बम्बई रहो। अच्छा। मन माँ करके फिर जी लॉकडाउन लग गो, ताबे जैसे सुनी विदेश जाए। अच्छा। सूचना हमें हमारे चोर कलेक्टर ये दवरई तो चौकी आए हमारे पास रात के 9:30 बजे आए थे। तो हमें पूछी, हमें छत पे फिर चढ़े। क्या बताया उन्होंने? ऐसे ऐसे बताई कि जी देखो निर्दोष सुना को तो निर्दोष को ना हो हमारे एरिया में का कहना, हमें संदेह तो तब आएगी। बाकी बाद में माँ को टूटने का नहीं आ रही तो हम पैसे भूले गए। बाकी फोटो पैसे जो से डरे थे ऐसे, फिर भी दोबारा फिर आए तब हम फिर फोटो देख दिखाओ तब हमारी जानकारी में आओ। तो क्या क्या बताया था पुलिस को आपको? मैं ऐसा के एरिया में सिगरे हूँ, हमारी जांच करके ले गए और कुछ।
माता प्रधान ने निर्दोष की नौकरी के लिए अपना मकान बेच दिया, खेत बेच दिया, जिससे बेटा निर्दोष अपने भविष्य को संवार सके। सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन बेटे निर्दोष को कुछ और ही मंजूर था। नोएडा में मार्केटिंग की जॉब भी कर रहा था। 2 माह पूर्व नोएडा गया था। निर्दोष गोल्ड लोन कंपनी में डकैती डालने पहुंच गया। लाडला इस तरह का कदम उठा सकता है, परिवार के लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा था। पोस्टमार्टम पर पहुंचा निर्दोष का छोटा भाई सोनू कुमार बीएड कर रहा है। दोनों बदमाशों का पोस्टमार्टम पुलिस की देखरेख में हुआ, लेकिन जिस तरीके से होनार मनीष पांडे और निर्दोष अपराध जगत में कूदे, उससे इतना साफ हो गया है कि परिवार के लोगों को अपने बच्चों पर पैनी नजर रखनी चाहिए। इस बात का पता करते रहना चाहिए कि आखिर उनके बच्चों की संगत क्या है, किस संगत में उठना बैठना है। कहीं ऐसा ना हो कि निर्दोष और मनीष की तरह अन्य माता पिता का भी सपना टूट जाए। उमेश शर्मा, सी न्यूज, आगरा।